कोरोना वैक्सीन की एक एक डोज के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिंदा लोगों को तो छोड़िए, मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगा दी गई। गुजरात में वैक्सीनेशन को लेकर गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। यहाँ सालों पहले जिन लोगों की जान जा चुकी है, उन लोगों के नाम वैक्सीनेटेड लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिए गए। मतलब ये स्पष्ट है कि जिनकी मौत हो चुकी है, उन लोगों को जिंदा दिखाकर उन्हें वैक्सीन देने का दावा किया जा रहा है। तीन साल पहले गुजर चुके हरदास भाई करंगिया के परिवार वाले हैरान हैं। हैरानी इस बात की है कि हरदास भाई का नाम कोरोना वैक्सीनेटेड लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है और उन्हें मोबाइल पर इसका मैसेज भी आया है। मारा काका 2018 में 4 वर्ष पहले ऑफ थी गया है अने एना नामे पोके वैक्सीन लीधेल छे। अमने SMS મયરો એટલે અમે પછી અમારી લાગણી દુભાણી ને આમાં કેને આધાર કાર્ડ નો ઉપયોગ કરેલો છે। હરદાસ ભાઈ કારંગિયા કી મોત સાલ 2018 મે હો ચુકી હે, ડેથ સર્ટિફિકેટ ઇસ બાત કા સબૂત હે। એસે મે પરિવાર હેરાન હે કે મૃતક કે આધાર નંબર કા ઇસ્તેમાલ કિસને કિયા। 18 માં ગુજરી ગયેલ છે, એનું મરણ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરેલું છે આપણે, તો કોણ છે એની તપાસ થવી જોઈએ। हरदास भाई का केस सामने आने के बाद परिवार इस बात का आरोप लगा रहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा खेल हो रहा है। परिवार की शिकायत के बाद अब जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। तपास करवा ये मामला सामने आते ही सरकारी बाबुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। गुजरात में अब तक मृत लोगों को वैक्सीन देने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।